भारत की सबसे खूबसूरत आईएएस आईपीएस अधिकारी। दोस्तों क्या आप जानते हैं असम की आयरन लेडी कौन है? क्या आप जानते हैं पढ़ाई में वीक होने की वजह से साइंस देने से भी जिस लड़की को इनकार कर दिया गया था वो कैसे आईएएस बनी? किस पहली महिला अधिकारी को सीएम ऑफिस में तैनाती मिली? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही आईएएस और आईपीएस महिला अधिकारियों के बारे में जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपने काम की वजह से भी फेमस हुई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर एक, आईएएस स्मिता सभरवाल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्मिता सभरवाल की। 46 साल की स्मिता सभरवाल का जन्म 19 जून 1977 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। उनके पिता का नाम कर्नल प्रणब दास है जो सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और उनकी मां का नाम पूर्वी बनर्जी है। स्मिता बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी। 12th में वो आईएससी टॉपर भी रही थी। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनका मन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का हुआ, जिसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। हालांकि पहली बार में बात नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से ट्राई किया और दूसरे अटेम्प्ट में ही साल 2000 में उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। इस दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 4th रैंक हासिल की थी। साल 2001 में उन्हें आईएएस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, जिसके बाद वो तेलंगाना कैडर से 2001 में आईएएस ऑफिसर बनी। स्मिता के आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उनके अचीवमेंट्स पर नजर डालें तो उन्हें पीपल्स ऑफिसर यानी कि जनता की अधिकारी भी कहा जाता है। उनकी सेवाओं को देखते हुए ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। इसी तरह जब वो करीब नगर में डीएम के पद पर थी तब उन्हीं के समय में करीब नगर को वेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिला था। यही नहीं, वो पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्हें सीएम ऑफिस में तैनाती मिली है। इसके अलावा वो रूरल वाटर सप्लाई और मिशन भागीरथ डिपार्टमेंट से जुड़े सेंसेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। बता दें 2001 में आईएएस बनने के बाद उन्होंने आईपीएस डॉक्टर अकुल सभरवाल से 2004 में शादी कर ली और स्मिता दास से स्मिता सभरवाल हो गई। नंबर दो, आईएएस टीना डाबी। टीना डाबी के बारे में दोस्तों आप जानते ही होंगे। अभी बीते महीने में मई के महीने में उनके नाम का ट्विटर पर हैशटैग टीना डाबी चला था, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने जैसलमेर में सरकारी जमीन से पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों को बेदखल करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन दोस्तों टीना अपने करियर की शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी रही है। 9 नवंबर 1993 को मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी टीना डाबी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम पॉलिटिकल कॉलेज से साइंस की पढ़ाई की थी। उनके पिता जसवंत सिंह डाबी बीएसएनएल के जनरल मैनेजर हैं और उनकी मां हिमानी डाबी इंजीनियर हैं। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के बारे में सोचा और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और 22 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया था। और सिर्फ क्लियर ही नहीं किया था बल्कि साल 2015 में वो यूपीएससी टॉपर रही थी, जिसके बाद वो लड़कियों के लिए रोल मॉडल भी बन गई थी। बता दें टीना डाबी के बाद उनकी बहन ने भी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी। बता दें टीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रही है। पहली बार उनकी शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी जब उन्होंने आईएएस अतहर आमिर से शादी की थी। उन्होंने साल 2018 में अतहर से शादी की थी। इसके बाद साल 2021 में ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद वो एक बार फिर चर्चा में आई जब उन्होंने 2013 बैच के आईएएस डॉक्टर प्रदीप गावड़े से सगाई की और फिर साल 2022 में शादी कर ली। वेल फिलहाल की बात करें तो टीना फिलहाल राजस्थान में ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर तैनात है। नंबर तीन, आईपीएस मैरिन जोसेफ। 20 अप्रैल 1990 को केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में मैरिन जोसेफ का जन्म हुआ था। इनके पिता कृषि मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार हैं और माँ एक टीचर है। मैरिन ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और इसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। मैरिन जोसेफ 2012 बैच की आईपीएस हैं। उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 188वीं रैंक हासिल की थी। आपको बता दें मैरिन जोसेफ केरला कैडर की सबसे कम उम्र की आईपीएस हैं। इतनी कम उम्र में सबसे पहले कोई भी वहां से आईपीएस नहीं बना था। 2012 में जब मैरिन ने यूपीएससी क्रैक किया था उस वक्त इनकी उम्र 25 साल थी। और उससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि मैरिन यूपीएससी क्रैक करने वाले उन लोगों में से एक थी जो पहले ही अटेम्प्ट में इस मुश्किल एग्जाम को पास कर लेते हैं। वेल इसके अलावा बता दें कि Y20 शिखर सम्मेलन के लिए जो प्रतिनिधि मंडल भारत से गया था उसका नेतृत्व भी मैरिन ने ही किया था। Y20 शिखर सम्मेलन G20 देशों के युवा अधिकारियों का एक कार्यक्रम है। इसके अलावा दोस्तों मैरिन केरल में पुलिस हेडक्वार्टर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुकी है और फिलहाल की बात करें तो वो केरल के कोल्लम शहर की पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त है। अब अच्छी नौकरी हो तो व्यक्ति शादी भी तो करता ही है, तो इन्होंने भी साल 2015 में मनोचिकित्सक क्रिस अब्राहिम से शादी कर ली। नंबर चार, आईपीएस संयुक्ता पाराशर। दोस्तों अब बात करते हैं असल की लेडी सिंघम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्हें वहां के लोग आयरन लेडी ऑफ असम भी कहते हैं। इनका नाम है संयुक्ता पाराशर। ये साल 2006 की आईपीएस ऑफिसर है। संयुक्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1979 को असम में हुआ था। इनकी पढ़ाई के बारे में बातें करें तो इन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा JNU से इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। यही नहीं, US फॉरेन पॉलिसी में MPhil और PhD भी की थी। इसके बाद इन्होंने साल 2006 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। ऑल इंडिया लेवल पर संयुक्ता ने एक एग्जाम में 85वीं रैंक हासिल की थी। बता दें इस रैंक के साथ संयुक्ता को आईएएस के लिए चूज किया गया था, लेकिन उन्होंने आईपीएस बनना चुना और मेघालय के असम कैडर से आईपीएस ऑफिसर बनी। साल 2008 में इनकी पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर हुई थी। जैसा कि हमने बताया कि संयुक्ता को असम की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वजह है कि असम के जोरहाट जिले में साल 2015 के दौरान उन्होंने हाथ में AK-47 लेकर CRPF और कमांडोज की टीम को लीड किया था। यही नहीं, उन्होंने 15 महीनों में 16 एनकाउंटर किए थे। इसके अलावा ये भी जान लें कि एक अवार्ड होता है ACP अवार्ड,
यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड। साल 2021 में जब 6 देशों के 40 पुलिस ऑफिसर्स को यह अवार्ड दिया गया था, तब उनमें से 2 पुलिस ऑफिसर्स भारत से भी थे, जिनमें से एक संयुक्ता भी थी। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल संयुक्ता असम के सोनितपुर जिले में बतौर ACP तैनात है। नंबर 5, ISB चंद्रकला। दोस्तों एक कहावत है, जहां चाहा वहां रहा, और इसका जीता जागता एग्जांपल 2008 बैच की IAS ऑफिसर बी चंद्रकला है। चलिए जानते हैं कैसे। बी चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन बता दें उनका जन्म आंध्र प्रदेश के रामगुंडम शहर में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम बी किशन और माँ का नाम बी लक्ष्मी है। लेकिन जरा ठहरिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो आप कुछ देर में जानेंगे उसे जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो IAS ऑफिसर है तो आप सोचेंगे कि बचपन से ही होशियार रही होंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 साल तक वो पढ़ाई के मामले में बड़ी ही बेकार थी। यहाँ तक कि जब 10वीं क्लास में थी, उसके बाद उन्होंने 11th में साइंस लेना चाहा तो उन्होंने स्कूल वालों ने मना कर दिया। वेल इसके बाद उन्होंने दूसरी स्ट्रीम में 12th से पास की, और फिर बारी आई ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में उन्होंने आर्ट्स साइड ली और पढ़ाई जारी रखी। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर ही रही थी, तब ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी। वेल क्योंकि चंद्रकला नौकरी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश की लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और उसे पास कर लिया, और उन्हें सरकारी समितियों के उप निबंधक के तौर पर नियुक्त किया गया। अपनी सक्सेस के बाद उनमें काफी कॉन्फिडेंस आया। अब कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सिविल सेवा के लिए ट्राई मारा जाए। इसलिए उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और फिर एग्जाम दिया। लेकिन एक बार फिर से शायद उनका रास्ता आसान नहीं था, इसलिए एक के बाद एक करीब 3 बार सिविल सेवा परीक्षा देने के बाद भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर जब 4th बार एग्जाम दिया तो 4th बार में आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। 4th बार में साल 2008 में उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर 409 रैंक हासिल की थी, जिसके बाद वो यूपी कैडर की IAS ऑफिसर बनी। बता दें उसके बाद इनकी मथुरा के DM पद पर नियुक्ति हुई, और फिलहाल की बात करें तो अभी भी वो यूपी के बुलंदशहर की DM है। तो दोस्तों सही कहा था हमने, जहां चाह वहां रहा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ IPS और IAS ऑफिसर्स, जो कि न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि अपने काम के लिए भी जानी जाती हैं। आपको इनमें से किसकी स्टोरी ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।